हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है 3 जनवरी 2024 और आज की मेरे ब्लॉग की स्टार्ट यहाँ से होती है। आज मैं आप लोगों को कुछ मस्त सी चीज़ दिखाने के लिए, इनफैक्ट जन्नत दिखाने के लिए अपने छत पे आया हुआ हूँ और आप देखने की कोशिश करिए कि यह जन्नत कितना मज़ेदार है। तो गाइस, ये है हमारा छत और इस छत से ये पूरा नज़ारा देखिए, कहीं पर भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस कदर कोहरा पड़ा हुआ है। ये मेरे घर के जस्ट पीछे का घर है, वो भी बड़ी मुश्किल से दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है। ये पूरब का इलाका है, इधर से ही सूर्य महादेव निकलते हैं, लेकिन सूरज भगवान के आज निकलने का कोई आसार दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर भी इतनी ठंड में भी नहाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मास्टर साहब लोग नहीं नहा के जाएंगे तो बच्चे का खोजेंगे। इसीलिए हम सोचे कि चलो नहा लेते हैं, लेकिन नहाने के पहले आप लोगों को दर्शन करवा दें, क्योंकि फर्स्ट ब्लॉग का जो पहला सेगमेंट होता है उसको बिना नहाए दिखाना चाहिए। जाने से पहले एक दो चीज़ और देख लीजिए, जैसे लोग राष्ट्रपति की कुर्सियों के लिए लड़ते हैं, हमारे घर पर भी एक ऐसे ही कुर्सी रखा हुआ है। लेकिन इस कुर्सी की एक स्पेशलिटी है कि भैया 3 टांग पर है। इस कुर्सी की 3 ही टांगे हैं, जैसा कि आप सभी की होनी चाहिए। कुर्सी के 3 टांग रहती है तो खुद को बैलेंस करने के लिए आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि अपना पिछवाड़ा किस कदर टिकाएं कि 3री टांग भी बैलेंस हो जाए। गाइस, आपको एक हाथी दिखाना चाहते हैं हम, हमारे घर के सामने ही लगी हुई है रॉयल एनफील्ड। इसको लोग हाथी से कम नहीं समझता। जिसके घर पर भी ये होती है उसका खुराक है, लोग उसे मेंटेन नहीं करता है, क्योंकि अपने आप में वन ऑफ द बिगेस्ट गाड़ी कही जाती है हमारे तरफ की। लुक देखिए, हर कोई आदमी इसके लुक पे दीवाना हो जाता है। मतलब क्या कमाल की गाड़ी होती है यार, क्लासिक 350। हमारे द्वार के सामने जो लगी हुई है वो क्लासिक 350 है रॉयल इनफील्ड। देखो, खड़ा इंजन के साथ साइलेंसर वही वाला है जो कंपनी ने दिया हुआ है, कुछ भी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है, लेकिन गाड़ी एकदम लाजवाब है। हमारी नहीं है ऑब्वियसली लेकिन कमाल की गाड़ी है यार। मिडिल क्लास लड़का सोचता है कि इस गाड़ी को एक दिन अपना बनाना है, इस पर चढ़ने का सुकून सबको मिलना होना चाहिए कि हाँ यार हमारा गाड़ी है। बहुत जल्दी नहा के जा रहे हैं, पीछे 2-4 स्टूडेंट लोग हैं, स्कूल की तरफ निकल चुके हैं हम। कुछ ज़्यादा ही ठंडी है, फिर भी क्या करिएगा, नहाना तो पड़ता है। टीचर जो हैं हम, हमारे पास सुपर पावर है, हमको ठंडी नहीं लगता है। DM साहब भी हम लोग को छुट्टी नहीं देते हैं, कहते हैं खाली बच्चा सब नहीं आएगा, आप लोग को आना पड़ेगा। और ये गाइस रुकिए, कमाल का रहा है बिहार में, 30-30 लीटर का दारू का बोतल है। अगर आपको चाहिए तो बताइएगा, कांटेक्ट करिएगा, हम लोग 30-30 लीटर का दारू, आप इसे पहचान नहीं पाइएगा क्योंकि ये एक एलियन है जो हमारे ही स्कूल में पढ़ता है। इतना ठंडा पड़ रहा है कि बच्चों को एलियन बनना पड़ रहा है। तो बोलो जी, एलियन जी का हाल चाल? छोटा बच्चा है इसलिए बस ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है गाइस, मिलेंगे स्कूल में। अब स्कूल की बायो लैब में हम आज बच्चों को लाए हुए थे और वहाँ पर हमें हमारे चाचा मिल गए। ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, ठीक है चाचा प्रणाम। ये हमारे बहुत दूर के रिलेटिव है, आप सभी के भी रिलेटिव ऐसे ही होंगे। चाचा थोड़ा मुस्काइए, ये मुस्का भी सकते हैं चाचा। वैसे ये इसे स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये ठंडी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है गाइस, ये देखिए, इसीलिए आग जलाया गया घर में और सारे आंटी लोग इकट्ठा हुए हैं और आग जला रहे हैं। और इधर हमारे एक भैया जी हैं जो अपनी बहन को बहुत परेशान कर रहे हैं। का भैया जी बोलिए, ये है आग जलाया गया है, हम भी थोड़ा आग सेक लेते हैं। पीछे आने वाली बैकग्राउंड वॉइसेस को छोड़ दीजिएगा, सब बनेगा अभी देखिएगा। इधर बहुत जबरदस्त मार चल रहा है, सजाया जा रहा है, कैरेक्टर्स को सजाया जा रहा है बड़ा मस्त तरीका से। ये हमारे घर में लड़की नहीं है, इसका पूरा मुंह पे बाल डाल दिया गया है। ये बाल हुआ है, लड़की नहीं है, पूरा मुंह पे पोत दिया गया है भाई। हमारे घर के लाल एक काला टीका लगा रहा है, जा काला टीका पोत दिया। इनको इनका अपना प्रॉपर निकनेम मिलते हुए गाइस। गाइस, सुबह में दिखाए थे आपको जो हाथी, अब उस हाथी को वापस रखने का टाइम आ गया है। हमारा तो इसको छू के ही हालत खराब हो गया है, हमको अंदाजा नहीं लग रहा है कि इसको कैसे रखा जाए। और गाइस, इसको खाने की कोशिश कर रहे हैं,
स्टैंड भी नहीं उठ रहा। सच्चा कितना कमजोर आदमी है, गाड़ी इतनी भारी है, हैंडल को मैंने ही खराब हो गया। बाप रे, स्टैंड भी स्ट्रॉन्ग है सच्चू। हाँ, ऐसी गाड़ी है जिसका स्टैंड भी स्ट्रॉन्ग होता, ये गाड़ी है स्टैंड पर। बाप रे, गिरने का डर अलग रहता है गाड़ी। बाप रे, आती है इसके साथ आप बस खाली पोज कर सकते हैं, दमदार को भी चला सकता है, हमारे तरफ छुट्टी आदमी छूट नहीं सकता। इसीलिए गाइस, अगर आपके पास बुलेट है तो लाइक जरूर करो, कमेंट भी करिएगा क्या हमारे पास बुलेट है, कौन सा मॉडल है ये भी बता। लगभग दिन के सारे काम निपटा दिए हैं गाइस, और अब कल सुबह के खाने का प्रबंध किया जाए। माता जी का कहना है कि सब्जी लाने तो तुम गए नहीं, तो अब प्रबंध किया जाए। देखते हैं अभी हमारे आस पड़ोस की लोकल दुकान में क्या मिल रहा है, वही ले जा कर दिखाएंगे। वाला है 200 ग्राम, सब्जी का जुगाड़ हो गया गाइस। कल सुबह के लिए पनीर खरीद चुके हैं और घर की तरफ लौट चुके हैं। तो गाइस, यही थी आज की हमारी पूरी डे टू डे एक्टिविटी। अगर आपको वीडियो में मज़ा आया हो तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा, कुछ कमेंट वगैरह कर दीजिएगा, और सब्सक्राइबर वगैरह थोड़े बढ़वाइए, ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। अगर देखने का मन हो तो पूरा वीडियो देखा करिए, नहीं मन हो तो चला के छोड़ दीजिए कम से कम पूरा वीडियो 2-3 बार, ज़्यादा कुछ तो नहीं होगा लेकिन हमारा वॉच टाइम ज़रूर बढ़ेगा। बढ़वाइए बढ़वाइए बढ़वाइए। ठीक है गाइज, मिलेंगे कल नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।